वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कार इंटीरियर क्लीनिंग के बारे में। मैं इंटीरियर में सब कुछ आपको सारे स्टेप बताऊंगा कि आपको कार कैसे साफ करना है, अंदर डैशबोर्ड, कारपेट और सीट्स, हेडलाइन जो होता है ऊपर, रूफ जो होता है उस वो सब। और मैं ये सब चीज़ें करूँगा सिंपल प्रोडक्ट्स जो आपके घर में होते हैं उनको यूज़ करके। मैं कोई भी महंगा प्रोडक्ट या फिर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो भी है जो ऑनलाइन मिलते हैं वो सब मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं सब सिंपल प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो ये चीज़ है कि जब भी आप अपनी कार का इंटीरियर क्लीन करें तो ध्यान रखें मौसम साफ़ हो, खुला हुआ हो, मतलब कि धूप होगी तो अच्छी बात है, लेकिन बारिश का मौसम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप अंदर सीट्स और कारपेट और रूफ़ लाइन को साफ़ करेंगे तो अगर वो गीला हो गया तो उसको साफ सूखने के लिए टाइम चाहिए, तो इसलिए सूखे मौसम में ये सब करें। सबसे पहले आप अपनी कार के जितने भी मैट्स हैं वो सब बाहर निकाल दीजिए, उन्हें हम बाहर निकाल के साफ़ करेंगे। अभी आप देख पा रहे हैं ये सब जो सैंड के, बालू के और मिट्टी के जो भी पार्टिकल्स हैं जो शूज़ में रख के आ जाते हैं अंदर, ये अभी दूसरी मैट है जो कार की उसके ऊपर है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये सब कारपेट पे ना गिरे, क्योंकि इस कारपेट से निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपकी कार में ऐसा है तो आप कोशिश करिए कि इसको आप केयरफुली बाहर निकालें, जिससे ये सब चीज़ें जो हैं वो नीचे गिरे नहीं और मैट के साथ बाहर आ जाए, तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो आपको इन सब चीज़ों का स्पेशली ध्यान देना है। अब बात आती है सफाई करने की, तो मैं कारपेट क्लीन करने के लिए ब्रश यूज़ करूँगा, और ब्रश से मैं सारा जो भी यहाँ पे पार्टिकल्स और जो भी पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं सब निकाल लूँगा। और मैं डिवाइड करूँगा क्लीनिंग को, एक तो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं जिसको साफ़ करने के लिए मैं सिर्फ एक कपड़े का यूज़ करूँगा, उसको थोड़ा गीला कर लूँगा, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि वाटर ड्रिप करे और इलेक्ट्रिकल स्विच और किसी भी चीज़ के अंदर चला जाए तो ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ नॉर्मल गीले कपड़े से साफ़ करूँगा, और बाकी जो भी है डैशबोर्ड और जो भी गंदा है जहाँ पे ज़्यादा जहाँ पे डर्ट जो है वो जम गई है जो कि नॉर्मली साफ़ नहीं होगी, मैं उसके लिए यूज़ करूँगा शैम्पू और एक ब्रश, टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं आप अगर आपके पास डिटेलिंग ब्रश नहीं है। तो मैं भी अभी टूथब्रश यूज़ करने वाला हूँ, और क्लीनिंग के बाद मैं यूज़ करूँगा पॉलिश, डैशबोर्ड पॉलिश, जिससे कि डैशबोर्ड में शाइनिंग आएगी और उसके ऊपर प्रोटेक्शन लेयर भी फॉर्म हो जाएगी। तो चलिए ये सब करते हैं हम शुरू। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर होगा तो काफ़ी आसान हो जाएगी क्लीनिंग, कुछ नहीं करना, सिर्फ जो भी यहाँ पे आपको गंदगी दिख रही है उसको आप वैक्यूम कर लेंगे डायरेक्ट, तो साफ सब कुछ साफ़ हो जाएगा। और ये कारपेट में वैक्यूम करना काफ़ी आसान हो जाता है और मेहनत करने से आप बच सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना। आपको आपको चाहिए एक ब्रश ऐसा जो मैं अपने पिछले वीडियोस में यूज़ कर रहा था, तो मैं इसको यूज़ करके सारी जो भी गंदगी है वो सब पेपर कलेक्ट कर लूँगा। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा काफ़ी सारी गंदगी जो पेपर के ऊपर आ रही है, मैं सिर्फ ब्रश से साफ़ कर रहा हूँ। तो ऐसे ही करते जाएंगे तो सब कुछ धीरे धीरे साफ़ हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और मेहनत ज़्यादा रहेगी। तो हमने ये सब कुछ कलेक्ट किया अभी इससे ये सब, तो
इस तरफ साफ हो गया, आप देख सकते हैं पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा साफ हो चुका है, तो ऐसे ही मैं हर तरफ साफ करूँगा। तो ये भी हो गया साफ, अब चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे की क्लीनिंग करने के लिए हम एक और काम कर सकते हैं, ये सीट है इसको बाहर निकाल लेंगे, तो आपको और ज़्यादा अभी अंदर दिखाई दिखाऊंगा मैं कि कितना गंदा है, और साफ़ करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अभी मैंने आगे और पीछे साफ़ कर लिया है, अब चलते हैं बूट में। अब इसके बाद गाड़ी के जितने भी प्लास्टिक ट्रिम्स हैं इलेक्ट्रिकल्स के अलावा वो सब साफ़ करेंगे, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा शैम्पू और ब्रश। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड के लिए मैं एक सावधानी बरतूंगा कि उसमें इलेक्ट्रिकल्स भी हैं, जैसे एसी स्विच हो गया और जो म्यूज़िक प्लेयर है, इंफोटेनमेंट सिस्टम उसका वहाँ पे कनेक्शन है वो सब, और बाकी सब जो भी इलेक्ट्रिकल्स हैं वहाँ पे, तो उनको बचाने के लिए मैं डायरेक्ट उस पर स्प्रे नहीं करूँगा फ़ोम को, मैं ब्रश में स्प्रे करूँगा या फिर कपड़े पर जिससे भी मैं साफ़ करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं उसको साफ़ करूँगा। और मैं एक बार शैम्पू से इसको साफ़ करने के बाद एक साफ़ कपड़े से, माइक्रोफाइबर क्लॉथ होगा तो ज़्यादा अच्छा है, मैंने वो तो भी चलेगा, तो मैं उससे फिर साफ करूँगा।
तो अभी आप समझ गए होंगे कि आपको प्लास्टिक ट्रिम्स कैसे क्लीन करना है। बस वो आपको शैम्पू अप्लाई करना है, ब्रश से साफ करना है और उसके बाद एक साफ कपड़े से साफ कर देना है। और मैं सभी चीज़ आपको क्लीन करके नहीं दिखा सकता क्योंकि टाइम लिमिट के कारण, और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अभी भी काफ़ी लंबी हो चुकी है ऐसे भी। तो अब मैं आपको फाइनल जो स्टेप है वो बताने वाला हूँ। आपको जब डैशबोर्ड और जितने प्लास्टिक ट्रिम्स सब सूख जाएँ तो उसके बाद आपको अप्लाई करना है उसमें पॉलिश। ये आप डैशबोर्ड पॉलिश यूज़ कर सकते हैं या फिर ये पॉलिश प्लास्टिक ट्रिम वाली, मेरे पास दो हैं। ये मैंने लोकल मार्केट से ली है और ये है शीबा की टायर शाइन। एक्चुअली ये टायर शाइन है ऐसे, लेकिन इसमें आप इसमें लिखा हुआ है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक ट्रिम्स और डैशबोर्ड के लिए, आप पढ़ सकते हैं अभी। तो मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। तो चलिए यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेटर पैड चाहिए, स्पंज है जो बेसिकली, उसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। और ध्यान रखिएगा ऐसी ऐसे जो पार्ट्स हैं जिसमें स्लिप होने का चांस है, फॉर एग्जांपल स्टीयरिंग व्हील, गियर लीवर और ब्रेक पैडल्स के प्लास्टिक ट्रिम जो भी हैं, आप उसमें अप्लाई मत करिएगा और हैंड ब्रेक पर, क्योंकि ये ड्राइविंग बाद अगर आपका हाथ जो है स्लिप हो गया स्टीयरिंग से तो फिर कुछ कैजुअलिटी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और सिर्फ उन्हीं पार्ट्स पर अप्लाई करना है जिसको आप ड्राइव करते वक्त यूज़ नहीं करते, मतलब डैशबोर्ड हो गया, डोर्स के पैनल्स हो गए, तो इन जगह पे यूज़ कर सकते हैं आप। तो चलिए मैं करता हूँ। और इसके बाद एक और चीज़ मैंने कही थी कि मैं आपको जो रूफ़ लाइन है, जो रूफ़ में जो ऊपर लगा होता है उसे, ये पार्ट जो होता है दिखाता हूँ आपको, ये जो पार्ट होता है इसको मैं आपको क्लीन करके दिखाऊँगा ये वाला। तो मैं इसे टाइम लिमिट के कारण भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊँगा कि कैसे साफ करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं उसको आपको डिटेल में बताऊंगा। इसमें अभी सब कुछ शॉर्ट में हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। तो इसको मैं नेक्स्ट बताऊंगा, और साथ में कारपेट भी, दोनों को सेम मेथड से साफ करना है। चलिए अभी करते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और रह गई, अभी जो मैंने मैट्स निकाली हैं कार से अभी, तो उन्हें मैं अंदर जाके प्रेशर वॉश कर दूंगा या फिर नॉर्मली मग या बकेट से पानी से साफ़ कर दूंगा, और उसको ड्राई होने के बाद मैं इसमें वापस लगाऊंगा गाड़ी में। सब कुछ सूखने के बाद ही लगाऊंगा, कुछ भी गीला नहीं लगाऊंगा क्योंकि अंदर मॉइस्चर हो जाएगा, ह्यूमिडिटी हो जाएगी और गाड़ी में अजीब सी स्मेल आ जाएगी, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अप्लाई करते हैं अपन पॉलिश वाली। पॉलिश अप्लाई करने के लिए दो तरीके हैं, आप या तो डायरेक्ट इस पे एप्लीकेटर पैड पे स्प्रे करके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप डैशबोर्ड पे और प्लास्टिक पैनल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। पॉलिश अप्लाई करने के बाद एक आप साफ माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उसको साफ कर दीजिए ताकि जो एक्सेस पॉलिश है जो ज़्यादा है एक्स्ट्रा वो निकल जाएगी और डस्ट को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और मैं कर लेता हूँ अब। तो बस वीडियो में इतना ही। मैं आपको ये बता दूँ, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी क्योंकि आप जब नॉर्मली कार साफ करेंगे तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आप शूटिंग करते हैं वो भी अकेले, तो आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। बार बार कैमरा अरेंज करो, उसके बाद शॉर्ट्स लो, कई बार शॉर्ट्स बिगड़ जाते हैं, एडिटिंग में काफ़ी टाइम लगेगा। तो मेरी इसमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मेरे कंटेंट चेक कर सकते हैं, मैं ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। और मैं अपना ये जो डैशबोर्ड पॉलिशिंग है और ट्रिम पॉलिशिंग है कम्प्लीट करने के बाद सब कुछ नॉर्मली वापस कर लगा दूंगा गाड़ी में, जो कुछ था मैट्स और जो सीट निकाली मैंने और स्पेयर व्हील। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।